ज़ वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़ सो गाइज मैंने कहा था कि मैं लास्ट सेशन आपका कैरेक्टरस्टिक्स पर ख़त्म करूँगी यूनिट टू का लेकिन मैंने किया भी वो बट फिर जब मैंने असाइनमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन री चेक किया तो मुझे दो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिले जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशनस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो फटाफट से हम लोग डिस्कस करते हैं तो पहला है, है हम लोग का अंडर प्रिवलेज लर्नर एंड द सिस्टम ऑफ द एजुकेशन ठीक है सिस्टम ऑफ एजुकेशन अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन ऑफ द अंडर प्रिवलेज लर्नर ठीक है अकॉर्डिंग टू ए गवर्नमेंट एस्टिमेट आउट ऑफ टू हंड्रेड मिलियन चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ सिक्स टू फोर्टीन इन इंडिया अराउंड फिफ्टी नाइन मिलियन डू नॉट अटेंड स्कूल स्कूल ऑफ द रेस्ट हुआ काइंडली इन स्कूल फोर आउट ऑफ एवरी टेन चिल्ड्रेन बिगिनिंग टू एटेंड स्कूल विल ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीटिंग दर प्राइमरी स्कूल एजुकेशन मतलब अभी भी ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इंडिया में जो एज ग्रुप सिक्स टू फोर्टीन में फॉलो करते हैं और उन लोग उन लोगों में से हैं जो स्कूल नहीं अटेंड कर पाते हैं और जो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में जो स्कूल अटेंड करते हैं अपने अर्ली स्टेज में वो कहीं ना कहीं अपने मतलब एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले ही उस स्कूल को छोड़ देते हैं प्राइमरी एजुकेशन जो होता है वो ख़त्म होने से पहले ही उस स्कूल को छोड़ देते हैं इन एडिशन मेरी स्टडीज़ ऑफ़ द लर्निंग अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इंडिकेट दैट द सिचुएशन इज़ एक्चुअली ग्रीन तो ऐसा सिचुएशन देख के समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पोर है रिसेंट कम्युनिटी बेस्ड सर्विस डन इन ट्वेंटी एट सिटीज़ एंड एट रूरल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री फाइंड दैट नॉट मोर देन थर्टी परसेंट ऑफ द स्कूल इन द एज ग्रुप सिक्स टू फोरटीन इज इन एन एजुकेशनली एडवांस स्टेट लाइक महाराष्ट्र कैन रीड सिंपल टेक्स फ्लुएंटली और डू बेसिक एथमेटिक्स सम्स तो वही समझ में आ गया हम लोग को कि इतना रेशियो देखने के बाद में बहुत कम ही स्टूडेंट हम लोग को मिलेंगे और महाराष्ट्र में भी रिसर्च करने से हम लोग को ये मिला कि बहुत कम स्टूडेंट मिलेंगे जो कि एजुकेशनली एडवांस एंड जो फ्लुएंटली स्पीक करते हैं टेक्स्ट को रीड करते हैं बहुत कम मिलेंगे या फिर जिनको एलिमेटिक सम्स करना इजी हो तो बहुत कम ऐसा होता है ठीक है सो वी सी दैट स्टिल अलॉट नीड्स टू बी डन फॉर द अंडर प्रिवलेज चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया तो अभी भी काफ़ी कुछ काम होना बाकी है ब्रीफ लुक एट द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द अंडर प्रिविलज ऑल ओवर द वर्ल्ड विल रिवील थ्री क्लियरली मार्क् स्टेजेस आइसोलेशन एसिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन तो हम लोग ये देखते हैं क्या है ये so, सो सबसे पहला है हम लोग का आइसोलेशन ठीक है आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हूँ या yeah. सो इनिशियली अर्ज नंबर ऑफ अंडरप्रीव चिल्ड्रेन वे आउटसाइड द नेटवर्क ऑफ एजुकेशन हैविंग नो एसिस एजुकेशन फैसिलिटीज़ विद द रियलाइजेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरियस एफर्ट्स वेयर बींग मेड टू प्रोवाइड देम विथ एजुकेशन तो अगर हम लोग पूरा रिकॉर्ड्स देखें रिसर्च देखें न्यूज़ देखें तो अभी भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनको राइट एजुकेशन नहीं मिल रहा है जो एजुकेशन क्राइटेरिया के लाइन में भी नहीं फॉल करते हैं और उन लोगों को कहीं से भी एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं मिलता है और जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हर किसी का सोशल रेस्पॉन् रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर किसी को सिस्टमेटिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए वो कहीं ना कहीं अभी भी मिसिंग है बट एज इन सम कंट्रीज लाइक अमेरिका सेपरेट स्कूल्स वे क्रिएटेड फॉर द कलर्ड पॉपुलेशन लेकिन कोई कोई कंट्रीज इस केस में बहुत एडवांस है जैसे कि अमेरिका हो गया अमेरिका हो गया वो सॉरी मिस प्रोनाउंसिएशन हुआ दैट इज़ अमेरिका हो गया तो उन लोग क्या करते हैं ऐसे बच्चों के लिए एक डिफरेंट स्कूल को खोल के रखें ताकि इन लोग को भी पढ़ाया जाए सिमिलरली इन इंडिया सेपरेट स्कूल्स विथ सेपरेट सिम्पलीफाइड करिकुल वे अपेंड फॉर द ट्राइवल पॉपुलेशन आजकल इंडिया भी डेवलप हो रहा है तो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ये सब आजकल एजुकेशन सिस्टम खोला गया है अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे तो जो भी इस टाइप के बच्चे हैं जो लाइक अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग के गवर्नमेंट ने आजकल बहुत उन लोग के लिए फैसिलिटीज़ बढ़ा दी कि उन लोग भी अपना राइट टू तो एजुकेशन मतलब कर सके अपना एजुकेशन सीख सके ठीक है ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन क्लास एंड कास्ट इन इंड पॉलिसीज़ द एटीट्यूड्स एंड बेस ऑफ टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर प्रिवेंट दैम फ्रॉम एक्सेप्टिंग द लोअर कास्ट चिल्ड्रन हुआ ऑवन मेड टू सीट सेपरेटली अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हालांकि गवर्नमेंट कोई भेदभाव नहीं करता लेकिन फिर भी आज भी ऐसे काफ़ी टीचर्स हैं जो ये भेदभाव करते हैं कि अगर तुम लाइक लोग आज से हो तो तुम इसके साथ नहीं बैठ सकते तुम या तुमको यह एजुकेशन लेने का क्या हक है तुम आगे जाके क्या करोगे कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में ये सोच अभी भी है जो कि गवर्नमेंट ने तो ये भेदभाव करना कब का छोड़ दिया है लेकिन कोई टीचर्स होते हैं कोई स्कूल्स होते हैं जो अभी भी ये भेदभाव कर रहे हैं ठीक है इट वॉज़ कॉमनली बिलीव दैट दिस चिल्ड्रेन वुड नॉट बी एबल टू हैंडल दिस जनरल करिकुलम एंड ए स्पेशल करिकुलम वॉज़ प्रिपेयर फॉर देम तो ऐसा हो गया कि जो जनरली जो बच्चे जो पढ़ते हैं टीचर्स के बायसनेस के वजह से ऐसा हो गया कि उन स्टूडेंट्स के लिए वो करिकुलम नहीं देख के कोई दूसरा करिकुलम दिया जाता है ताकि उनको उसी से पढ़ाया जाए मतलब इक्वलिटी की बेसिस पे नहीं देखा जा रहा था स्टूडेंट्स को वो जो यूनिफॉर्म दिया जाता है जैसे हर स्टूडेंट्स को एक नज़रिए से देख के यूनिफॉर्म इसीलिए इंडिकेट करते कि हर स्टूडेंट्स एक जैसा हो तो कहीं ना कहीं उस यूनिफॉर्म का होने के बावजूद भी जो टीचर्स का बाय, बायसनेस था ये सब प्रॉब्लम्स था उसकी वजह से भी इन लोग के बीच में डिफ्रेंशिएशन देखा गया इश्यूज देखे गए इन लोग को अलग से ट्रीट किया गया इसलिए इन लोग को स्पेशल करिकुलम भी दिया गया ठीक है सो ये बात था इसमें द जनरल बिलीव डेट असाइनमेंट फॉर द अंडर प्रविड विद रिजल्ट इन फेल इर मेड मैनी एजुकेशन लोअर फॉर लोअर द बार फॉर दैम दिस क्रिएटेड एंड एजोलेशन ऑफ अनदर सॉट एंड द एजुकेशन गैप कंटिन्यू टू वाइड इन तो इस तरह का भेदभाव बाकी एजुकेशनिस्ट जो इन लोग को सपोर्ट करना चाहते थे इन लोग के माइंड में भी एक अलग डायवर्सन क्रिएट किया तो कहीं ना कहीं इन लोग भी इसको सपोर्ट करने से पीछे हट गया ऑब्वियसली अगर आपके खुद के होता है ना एक टीचर काफ़ी हद तक इन्फ्लुंस कर सकता है अगर सपोज कोई भी सरकारी ऑफिसर से कोई भी आए हुए हो एंड आपका वो टीचर का कोई पार्टिकुलर स्टूडेंट को दिखा के हाईलाइट कर रही इनके बारे में बता रहे तो ऑब्वियसली उनके बारे में ही लोग जानने की कोशिश करेंगे अगर वो टीचर उस अंडर प्रिविलेज के बारे में कुछ बताएगा ही नहीं उसकी सिचुएशन के बारे में नहीं बताएगा या ये नहीं दिखाना चाहेगा कि वो इंटरेस्टेड है ये कर सकता है बोल के तो कहीं ना कहीं जो हम लोग को सपोर्ट करने आएंगे उनको भी नहीं पता होगा उसी वजह से उन लोग को कम सपोर्ट मिलता है और जो एजुकेशन से उनका जो दूरी है वो और ज़्यादा दूरी हो जाती है ठीक है सेकेंड पॉइंट इज एसिमुलेशन द सेकेंड फेज ऑफ द एजुकेशन द अंडर प्रिविलेज इज़ मार्क्ड बाई टेंडेंसी टू एसिमुलेट ठीक है मतलब टेंडेंसी फॉर एक्सेप्टेंस हर एनवायरमेंट के लिए जो एक्सेप्टेंस होता तो वो उसके बारे में बोला गया ये पॉइंट ठीक है एटम्प्स वेर मेड टू एजुकेट द अंडर प्रिवलेज लर्नर अलॉन्ग विद द प्रिविलेज लर्नर्स इन द सेम स्कूल्स ऐसा नहीं कि एफर्ट्स नहीं दिया गया था एटम्स दिए गए थे बट कास्ट इज क्लास कॉन्सियसनेस केम इन द वे एंड इट वॉज द केस ऑफ आइसोलेशन एसमेशन एज लर्नर्स ऑफ लोअर कास्ट सेट इन द सेम क्लास बट ऑन सेपरेट बेंचेज और वेर रेगुलर वेर रिलेटेड और टू द लास्ट बेंचेज वेयर दे रिसीव द टीचर्स एस अटेंशन uh, तो मतलब यही हो गया जो मैंने आपको पहले बताया था एफर्ट्स दिए गए थे कोशिश की गई थी लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कहीं ना कहीं फिर वही कास्ट केस आ गया जो लोअर कास्ट अपर कास्ट सेड्यूल कास्ट थी ये वाला केस आ गया वो भेदभाव होने लगा जो लोअर कास्ट के बच्चे थे उनको अलग बेंच में ट्रीट किया गया जो जो टीचर्स थे उन लोग को उसी तरह से देखते थे हालांकि ऐसे नहीं देखा जाता था उन, उन, उन लोग में भी टैलेंट है उस टाइप के बच्चों में भी टैलेंट है उन लोग भी सीखना चाहते हैं लेकिन बस इन ये कास्ट इश्यूज ये सब बायसनेस की वजह से उन लोगों को अलग से ट्रीट किया जाता था ठीक है सिंस द स्कूल एंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज बेस्ड ऑन डोमेंट डोमिनेंट और द एडवाटेज ग्रुप द एम वॉज टू एसमेट द अंडर प्रिवलेज इन प्रिवेलेज कल्चर तो जो कि ज़्यादा फोकस जो सुपेरियर है उस पर उन लोग पर दिया जाता था और ये ये अटेंशन भी ग्रैब हो रहा था कि इन लोग को कम अटेंशन दिया जा रहा है तो कोशिश इसी पे थी कि जो अंडर प्रिविलेज है उसको कैसे भी हो कहीं ना कहीं से प्रिविलेज किया जाए उनके कल्चर को बढ़ाया जाए दिस एटम इज स्टिल ऑन द ऑन एंड अकॉर्डिंग टूट राइट टू एजुकेशन आजकल इसको और ध्यान दिया जाता है राइट टू एजुकेशन में इस पार्ट पे पूरा फोकस किया जा रहा है इट इज़ मैंडेटरी फॉर अलाइट प्राइवेट स्कूल मैन फॉर द प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू कीप ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द सीट्स अंडर प्रिविलेज एंड ऑल्सो to look after their education monetarily how much of this tension happens is a matter of concern तो वही बोला गया आजकल इस चीज़ को बहुत ध्यान रखा गया है तो जहाँ प्रिविलेज लोग को सीट्स मिलती है तो आजकल अंडर प्रिविलेज के लिए भी सीट्स बराबर का दिया जाता है और कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं इन लोग को मौका और दे हर सेक्टर पे दे नॉट ओनली वन फील्ड डिफरेंट फील्ड्स में जैसे आप देख सकते हो हर स्लम डॉग एरिया से जो भी टैलेंट दिख रहा है उनके लिए एक मंच होता है उन लोग उसमें ग्रो करते हैं चाहे डांस हो चाहे सिंगिंग हो चाहे एक्शन हो या एक्टिविटीज़ हो चाहे एक्टिंग हो हर सेक्टर से हर कोई आता है जैसे कि हम लोग डांस इंडिया डांस देखें उसमें भी एक उदय बोल के थे उदय बोल के एक था सॉरी डांस दीवाने उस वो भी एक स्लम एरिया से था बट उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला कि वो अपना टैलेंट को शो करे तो इस तरह से कहीं लोग को आजकल एक्सप्लोर करने का बहुत मौका मिल रहा है आगे जाके ये चीज़ कितनी डेवलप होगी वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है लेकिन फिलहाल इस मैटर पे अभी काम हो रहा है ठीक है नेक्स्ट इज इंट्रीग्रेशन द थर्ड फेज ऑफ इन द थर्ड फेज ऑफ इंट्रीग्रेशन एटम्स वे फर्स्ट मेड टू एजुकेट द अंडर प्रिप्लेस इन द ओन लैंग्वेज एंड कल्चर सो दैट दे वुड डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू द ओन कल्चर एंड एंड लैंग्वेज तो इस इंट्रीग्रेशन में क्या था दूसरा लैंग्वेज दूसरी एक्टिविटीज़ दूसरा कम्युनिकेशन सीखने से पहले आप आपके कल्चर के बारे में जानो और अपने लैंग्वेज के बारे में समझो इस पे ज़्यादा वेटेज दिया गया था कि जिनको भी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली वो अब जाके अपने लैंग्वेज को सीखे अपने कल्चर के बारे में समझे पहले वो ज़रूरी भी है आप खुद को समझोगे खुद के कल्चर को जानोगे तो आप आगे जाके किसी के सामने अपना पॉइंट रख पाओगे खुद को एक्सप्रेस कर सकोगे और अपने कल्चर के बारे में बता पाओगे तो अंडर प्रिविलेज को ये सब के बारे में नॉलेज देना भी बहुत ज़रूरी था

तीन स्टेजेस आपके सामने मैं बोली कि कल्चरल uh, डिप्राइवेशन वाला स्टेज हो गया या हेरिडिटरी uh, हेरिडिटरी uh, वाला स्टेज हो गया क्वालिटीज़ हो गया तो सब ये सब एक स्कूल में एक नोट किया जाता है लेकिन वही बात है कि ये सब हिस्टोरिकली नोट भी किया जाता है लेकिन ये सब अप्रोचेस को किस सिचुएशन के साथ एडॉप्ट किया जाए वो एक पॉइंट ऑफ टाइम का बात है ठीक है सो so, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ प्रॉब्लम फेस बाय अंडर प्रीवलेस लर्न एंड लर्निंग इंग्लिश क्या प्रॉब्लम उन लोग को फेस करना पड़ता है फर्स्ट पॉइंट इज फेयर ऑफ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी तो आपको ये चीज़ अंडरलाइन करना है आप जब मेंशन करोगे तब अंडर प्रिविलेज लर्नर्स के बारे में जो कुछ भी बताया आपको वो लिखना है अगर ये क्वेश्चन आता है जो कि पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक है तो फर्स्ट आपको अंडर प्रिविलेज लर्नर्स के में है, बारे में बताना देन उसके बाद में इसको हेडलाइन करके दैट इज़ अंडरलाइन करके इन सब पॉइंट्स को देना ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट इज फेयर ऑफ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट अग् ऑफ स्टडी ठीक है English by its very nature is very different from the Indian languages. For instance, English does not have one letter one sound correspondence and spelling and sound do not always follow a uniform pattern. तो जो कि सबको पता है कि English बाकी language से अलग है क्योंकि English में हर चीज़ का अभी अगर हिंदी में कोई एक चीज़ बोले जैसे कि um, हम लोग कोई भी बात बोले कुछ भी बोले तो उसका एक साउंड होता है जैसे हिंदी का एक खुद का साउंड होता है बाकी लैंग्वेज का अपना साउंड होता है लेकिन इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है उसका जो अलग अलग साउंड्स होते हैं अलग अलग में इसका बात किया जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं ठीक है अलग अलग पैटर्न्स होते हैं इसमें मोरव वर्डेक्स ऑफ इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन लैंग्वेज जो कि अलग है दो टाइप का इंग्लिश है एक ब्रिटिश इंग्लिश एक अमेरिकन इंग्लिश है जो हम लोग यूज करते हैं वो है ब्रिटिश इंग्लिश ठीक है मोरो वर्ड ये मैंने आपको बता दिया इन इंग्लिश द वर्फ ऑक्यूपाइज द मेडिकल पोजिशन मेडिकल पोजिशन यहाँ ग्रामर का इन्फ्लुंस बहुत ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दिया जाता है वो कैसे मैं देख, देखते हैं इसमें ठीक है रीटा प्लेस फुटबॉल इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेज द वर्ब कम्स एट द एंड जैसे कि इसमें हम लोग का वर्ब सेकेंड में आया रीटा प्लेस फुटबॉल तो यहाँ हम लोग का वर्फ कॉन्सेप्ट तो प्लेस जबकि काफ़ी इंडियन लैंग्वेज में जो वर्फ है वो पीछे आता है रिटा फुटबॉल खेलती है जैसे कि आपको हिंदी ट्रांसलेट दिखाया गया है फुटबॉल खेलती है बाकी इंडियन लैंग्वेज में खेलना यानी कि वो जो वर्ब है दैट इज़ प्ले वो आया हम लोग का थर्ड फॉर्म में लेकिन इंग्लिश में हम लोग का क्या है रिटा प्लेज फुटबॉल इज सेकंड में आया हम लोग का ठीक है द दिस दिस टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिस लैंग्वेज मेक लर्निंग कॉम्प्लीकेटेड एंड डिफिकल्ट फॉर द अंडर प्रिविलेस्ट लर्नर तो जो कि हम लोग जब अपने लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं तो उसमें वर्फ कहीं और स्टैंड करते बट हम लोग जब इंग्लिश में बोलते हैं तो जैसे कि आपने इसमें देखा वर्फ कहीं और स्टैंड करता है तो अंडर प्रिवलिस लर्नर के लिए जब ऐसे स्टेजेस आते हैं तो उन लोग के लिए समझना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है इन एडिशन इंग्लिश इज असोसिएटेड विद द इलाइट कल्चर एंड दिस क्रिएट सेंस ऑफ ऑ एंड फ्यर एमोंग्स द अंडर प्रिविलेस लर्नर तो जो कि इंग्लिश कल्चर से भी हायर कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है एज आई सेड क्योंकि इंग्लिश आया था इंग्लैंड के लोगों से ब्रिटिश लोगों से तो ये बहुत ज़्यादा हायर कल्चर का भी डिफाइन डिफाइनेशन करता है तो इसीलिए भी ये कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी झिझक है कि अगर हम लोग ये बोलेंगे कि सही होगा या नहीं तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं तो एक काइंड ऑफ फेयरनेस भी रहता है और सही गलत राइट right, रॉन्ग वो सब फैक्स भी आ जाता है तो कहीं ना कहीं अंडर प्रिविलेज लर्नर का मोटिवेशन को कम कर देता है ठीक है टैक्स बुक्स इन इंग्लिश कंटेंस मैटी विच डज नॉट बिलोंग टू द इंडियन मे एंड इज अलाइन टू द अंडर प्रिविलेज लर्नर हुज हैज़ टू ग्रैपल नॉट ओनली विद द लैंग्वेज बट विद कंसेप्ट एज वेल तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें बस यही बोला गया कि टेक्स्ट बुक में भी काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कि इंडियन लैंग्वेज को दिखाते हैं लेकिन वो लर्नर्स के लिए इजी नहीं होता कि उन लोग हर पार्ट को समझ पाए तो जितना मैंने आपको इसमें समझाया अभी उतना आप समझा दोगे तो काफ़ी होगा इसमें हम लोग को हर चीज़ लिखना नहीं है ठीक है तो बेसिकली आपको जहाँ तक मैंने समझाया आपको उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है ठीक है सेकेंड पॉइंट क्या है हम लोग का लैंग्वेज लोड एंड पोर रोड पोर रीडिंग स्किल ठीक है जो एक लैंग्वेज बोलने का प्रेशर और दूसरा हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही होता है या नहीं हम लोग में भी होता है वो ऐसा जब हम लोग पढ़ाते हैं तो कभी कभी हम लोग को भी झिझक होती है कि हमने इसका प्रोनाउंसिएशन सही किया है कि नहीं ठीक है किसी के साथ भी हो सकता है ये तो अगर जो सीखे हुए लोग हैं उन लोग के साथ ये होता है तो अंडर प्रिवलेज लर्नर्स के साथ कैसा होता होगा समझ गए ऑफन द अंडर प्रिवलेज लर्नर्स स्पीक ए नॉन स्टैंडर्ड वराइटी ऑफ लैंग्वेज और सो वराइटी ऑफ लैंग्वेज और डायलैक्ट तो जो अंडर अंडरप्रीपेस्ट लर्नर है उन लोग को ऑफिन ऐसा दिक्कत आता है हमेशा होता ही है कैफे टाइम में कि इन लोग स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलने में या नॉन स्टैंडर्ड जो भी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है या डायलेक्ट है जो अलग जगह का कंट्री का लैंग्वेज है इन लोगों को बोलने में डिफ़िकल्टी होती है दे ऑलरेडी फील द लोड ऑफ लर्निंग टू रीड इन द स्टैंडर्ड लैंग्वेज विच इज़ ऑफन द रीजनल लैंग्वेज तो कुछ पढ़ना भी इन लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है चाहे इन लोगों के रीजनल लैंग्वेज में भी हो तो इन लोग कॉन्शियस हो जाते हैं उस चीज़ को लेके कॉशियस हो जाते हैं उस चीज़ को लेके इन एडिशन दे हैव टू ग्रैपल विद इंग्लिश विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज दे नो जब खुद का लैंग्वेज समझने में इतना डिफ़िकल्ट होता है कुछ पढ़ने में डिफ़िकल्ट होता है इंग्लिश को पढ़ना तो इन लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा ऑब ऑब्वियसली ये केस होता है जैसे कि अभी हम लोग कोई हम लोग की लैंग्वेज में सपोज महाभारत या फिर भगवत गीता या कोई ग्रंथ ही पढ़ने दे दिए जो कि हम लोग का हिंदू कल्चर का ही पार्ट है एक बार के लिए हम लोग को भी वो बोलने में या करने में थोड़ा झिझक होगा क्योंकि उसमें संस्कृत का पार्ट होगा राइट सो बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर भी हम लोग झिझके इस बात को लेके तो उसी बैकग्राउंड में उसी सिनेरियो में अगर हम लोग को कुछ चाइनीज़ में लिखा हो एंड बोल के तुम ये पढ़ो तो वो हम लोग के लिए कैसा होगा ठीक वैसे ही अंडर प्रिवलेज लर्ने के लिए भी ऐसा सिचुएशन होता है ठीक है तो डिस प्रेस ऑफ लैंग्वेज ऑन द अंडर प्रिवलेज लर्नर क्रिएट्स फेयर गैप इन लर्निंग एंड अलाइनेशन ड्यू टू विच दे लूज ऑल इंटरेस्ट इन द इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन तो इतने सारे फैक्ट जब आप किसी चीज़ को लेकर लगातार डरते रहोगे करने में कि ये करूँगी तो ये कैसे होगा ये करूँगी तो इसका इम्पैक्ट कैसे होगा तो इतना फेयर होगा कि ये बोलूँगी तो सही होगा या नहीं ऐसे करूँगी तो ये सही होगा यानी इतना फेरम रहेगा आपके पास इतना लो कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप कैसे मोटिवेट होगी कुछ भी चीज़ को सीखने में कैसे मोटिवेट होगी आपका अपने आप उस चीज़ से इंटरेस्ट हट जाएगा कि यार छोड़ो नहीं करते उसको ठीक है इन एडिशन बिकॉज ऑफ द इन एडिक्यूट एक्सपोजर टू लैंग्वेज एंड टेक्स इन द चाइल्ड हुड दिस लर्नर्स डेवलप पोर लिटरेसी स्किल्स ठीक है तो वही बोला गया कि इन लोग जो कि इन लोग को वो राइट right बैकग्राउंड नहीं मिलता राइट right चीज़ नहीं मिलता इसलिए इन लोग कहीं ना कहीं उसको लैक कर देते कि इन लोग नहीं सीख पाते या फिर इन लोग की सीखने की चाह ही खत्म हो जाती है तो गाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बाकी तीन पॉइंट्स है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पक्का से समझा दूँगी एंड डोंट वरी टाइम से पहले ये ख़त्म हो जाएगा आपका यूनिट भी एंड यूनिट थ्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है एप्सी इसके साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू प्लीज़ सपोर्ट आस गाइज बहुत मेहनत लगती है अभी सर को भी बहुत मेहनत लगती है अपने कंटेंट को करने में एंड मुझे भी समझाने में लगती है मेहनत और आपकी डिमांड के हिसाब से हमेशा हम लोग ट्राई कर रहे हैं डे वन से कि हम लोग आपको वो दे जो आप लोग चाहो तो प्लीज़ सपोर्ट आस वी जस्ट नीड योर सपोर्ट कि एफ सी एस ग्रो करे ग्लो करें आपके लिए एफ सी एस बहुत यूज़फुल रहे ओके सो प्लीज़ हेल्प आस एंड प्लीज़ बी विद अस